हेलो गाइस, मैं हूं सवाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लुनेटिक एप्स। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले इस छोटे से पैकेट का, जिसमें है एक मोबाइल लेंस जो कि 12x जूम लेंस है। तो इसको फटाफट से खोलते हैं, इसके पैकेट के अंदर से निकालते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर लेंस कैसा है और उसके बाद बात करेंगे इसके लेंस के बारे में। तो फटाफट से इसको मैंने आ दिया है और इस पैकेट में और कुछ नहीं है, तो इसको इधर रखते हैं साइड में। ये प्यारा सा बॉक्स निकला है इसके अंदर से, जिसमें लिखा हुआ है मोबाइल फोन टेलीस्कोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है और बॉक्स पे ज्यादा कुछ डिटेल दिया नहीं हुआ है। तो फटाफट से बॉक्स को खोलते हैं, इधर से ये बॉक्स खुल जाएगा और बॉक्स के खुलने के बाद यहाँ पे आप निकालेंगे तो इसके अंदर से निकलता है ये ट्रे। और कमाल की बात यह है कि मैंने मंगाया था व्हाइट कलर में लेंस और ये निकला है ब्लैक कलर का। आप देख सकते हैं, ये है लेंस और ये है इसके साथ क्लिप। तो ये दोनों चीज इस बॉक्स के अंदर निकला है, बॉक्स में और कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये है क्लिप जिसकी मदद से आप इस लेंस को लगा सकते हैं मोबाइल पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कवर है लेंस का और इधर भी एक कवर है। तो इसको आप कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके स्क्रू टाइप से फिट कर सकते हैं और ये यहाँ पे जो है परफेक्टली फिट हो जाएगा। और इस तरह से आप किसी भी मोबाइल में लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक मोबाइल है मेरे पास, तो यहाँ पे अगर लगाना चाहें तो इसके कैमरा में यहाँ पे ऐसे करके लगा देंगे और इस तरह से जो है हम लोग इससे फोटो खींच सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये शायद आप जूम कंट्रोल या ब्लर कंट्रोल इससे कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं पार्क में, वहां पे हम लोग इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। अगर अच्छा लगा तो रख लेंगे, नहीं लगा तो वापस कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने व्हाइट मंगाया था, ये ब्लैक में आया है तो हमारे पास अच्छा पॉइंट है। तो चलिए, तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ पार्क के अंदर। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, मैं पार्क जाऊंगा और यहाँ पे ट्राई करूँगा इसका टेस्ट करने का, इस लेंस का। तो देखते हैं, अभी पार्क में आ गया हूँ। ये आप देख सकते हैं बैकग्राउंड, और यहाँ पे आप पीछे देखें तो काफ़ी कबूतर वगैरह है पीछे। तो मैं ट्राई करूँगा कि इसका फ़ोटो ले सकूँ मैं, बट देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता हूँ। ये मोबाइल यूज़ करूँगा मैं मोटो का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं अपना फ़ोन पकड़ाता हूँ अपने दोस्त को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे कबूतर हैं। तो अभी आपको मैं एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ जो नॉर्मल कैमरे से है। तो आप देखेंगे तो ये नॉर्मल कैमरे से मैंने फ़ोटो लिया। अब मैं इस लेंस को यूज़ करके कुछ फ़ोटो लूँगा तो आपको पता चल पाएगा कि क्लियरिटी कितनी है इसकी और जूम कितना है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इस लेंस को लगा दिया और यहाँ पर देखिए आप, जूम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है लेकिन क्लियरिटी जो है बिल्कुल नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करने का कोशिश करता हूँ नॉब, ताकि थोड़ा ये क्लियर हो पाए। बट आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन में, बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। और इन्होंने हमारे कबूतर को भी उड़ा दिया है बच्चों। थोड़ा सा तो जूम हुआ है बट इसमें क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। तो कोशिश करता हूँ मैं इसको एडजस्ट करने का, ताकि थोड़ा सा अच्छा फोटो आ सके। एडजस्ट करने पे और भी क्वालिटी ख़राब हो गई है, मतलब क्लियरिटी पूरा ही चला गया। तो दोबारा से उसी पे ला देते हैं जहाँ पे पहले था। तो इससे मैं एक फोटो क्लिक करता हूँ। देखो, थोड़ा बहुत तो इसमें जूम हुआ है बट क्वालिटी जो है बिल्कुल भी क्लियर नहीं है फ़ोटो का। तो आप देख सकते हो, फ़ोटो जो है यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं आया है, और मैं वीडियो में भी लगा दूँगा।
थोड़ा सा जूम तो किया बट इसने फोटो जो है बिल्कुल क्लियर नहीं आया है। यहाँ पे नॉर्मल फोटो आप देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का नॉर्मल कैमरे से फोटो आ रहा था, काफ़ी क्लियर था इसमें, लेकिन आफ्टर यूजिंग लेंस ये बिल्कुल भी, मतलब दिख तो रहा है कि कबूतर है बट क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो चलिए एक दो शॉट और लेते हैं किसी और चीज़ का। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं मेरे लगभग 5-7 मीटर के डस्टबिन है दो, और तो मैं नॉर्मल कैमरे से फ़ोटो लेता हूँ तो कुछ इस टाइप का आता है, आप देख सकते हैं। और जब मैं जूम लेंस लगाऊंगा इस मोबाइल पे तो देखते हैं इसका फ़ोटो किस टाइप का आता है और कितना ये जूम कर पाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ पहले। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं ये मैंने लगा दिया। तो जो हमारा सब्जेक्ट था डस्टबिन, ये काफ़ी जो है जूम हो चुका है, लेकिन अब आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, ब्लर आ रहा है। और अभी मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ ब्लर को, तो देखते हैं कुछ होता है क्या, कुछ चेंज होता है इसमें। ये नॉब मैं यहाँ से घुमाता हूँ और देखता हूँ कि कुछ चेंज हो तो, बट यहाँ पे कुछ भी चेंज होता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है। और ये आप देख सकते हैं जो ब्लर है इससे ज़्यादा मुझे चेंज नहीं दिख रहा है, और ज़्यादा घुमाता हूँ तो ये और ज़्यादा ब्लर हो जाता है। तो ये मैक्सिमम क्लियरिटी मिल रही है, जूम थोड़ा सा हुआ है फ़ोटो नॉर्मल कैमरे के मुकाबले, बट जो क्लियरिटी है फ़ोटो की वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी मैं क्लियर एक क्लिक करता हूँ। तो ये आपने देख लिया। मैं बस लास्ट में यही कहना चाहूँगा, ये 200-250 रुपये का जो लेंस है ये यूजलेस है, आपके किसी काम का नहीं आएगा, तो आप ये लेंस बिल्कुल भी मत खरीदना, कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।